कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। समाज में व्यापारी का एक बहुत अहम योगदान होता है कि वो एक कंज्यूमर और उसके साथ ही विक्रेता और दुकानदार के बीच एक जो एक माध्यम होता है। ये व्यापारी वर्ग जनता को उसकी बुनियादी सुविधाएं एवं उसकी ज़रूरत की सामानें उपलब्ध कराता है। लेकिन यही व्यापारी वर्ग पिछले कुछ समय से काफ़ी संघर्ष कर रहा है अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर के, और उसकी सरकार से बराबर मांग रही है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के श्री अंजनी पांडे जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। आपसे सर मेरा पहला सवाल ये है कि व्यापारी वर्ग जो इतना बटा हुआ है अपनी मांगों को लेकर के, आपको क्या लगता है कि वो मांगे वो संयुक्त रूप से क्यों नहीं कर रहा है? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा कि व्यापारी बटा नहीं हुआ है। व्यापारी एक है, व्यापारी एकजुट है। व्यापारियों में कहीं न कहीं सरकार को लेकर के, सत्ता को लेकर के, प्रशासन को लेकर के एक आस होती है। जैसे आप प्रॉपर सुनते आए होंगे, जब से मुझे लगता है कि आप समझने लायक होंगे आज तक का एक इतिहास रहा जानने में, कि भारतीय जनता पार्टी पे मुझे लगता है मैक्सिमम में व्यापारी वर्ग भरोसा करने की स्थिति में रहता था जी। और जब भाजपा की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, तो व्यापारियों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भरोसा था कि व्यापारी वर्ग के लिए, चूँकि ये व्यापारियों की पार्टी कही जाती है, ये बहुत अच्छा काम करेगी जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी, ऐसा हुआ नहीं। जब इनकी सत्ता सरकार बन गई, उसके बाद में इन्होंने कुछ गिने चुने व्यापारियों को, जो उद्योगपति टाइप के थे, उन पर तो ध्यान दिया है। लेकिन जो मीडियम और मझोले टाइप के व्यापारी हैं जी, उस पर इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और जो मीडियम मझोले टाइप के काम करने वाले व्यापारी हैं, बिजनेस हैं, उन पर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल करें, तो आज की डेट में बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। जो ग्रुप देखते हैं, कोई आप संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल है, कहीं सर्वोद्योग व्यापार मंडल है जी, तो कहीं अलग अलग इसी प्रकार के संगठन हैं, तो ये क्यों, कारण क्या है इसका? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो भी सिस्टम बने हुए हैं, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को ले लीजिए, तो ये एक पार्टी नहीं है, अनेक तरह की पार्टियां हैं। नहीं, आप तो आप... ये मुद्दे डिफरेंट टाइप के होना तो एक लाजमी है, इसके लिए कोई विडम्बना नहीं कही जाएगी। जैसे हम दो भाई होते हैं, तो ये श्योर है कि एक ना एक दिन अपनी अपनी रोजी रोटी के लिए हम दोनों भाई तैयार हो जाते हैं, अपने अपने वर्क के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई आपके यहाँ कई तरह की पार्टियाँ हैं, भाजपा है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, तो सभी पार्टियों ने कहीं कहीं व्यापार मंडल का अपना एक दल बना कर रखा हुआ है। बेसिकली मैं, चूँकि आपने चर्चा किया है, तो आपसे कहना भी चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल जो है वो किसी व्यक्तिगत पार्टी का समर्थक नहीं है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, ये भी कारण आप जान लें, जो क्वेश्चन आपने किया है, जो पार्टी स्तर के संगठन हैं, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, तो जो पार्टियां सत्ता में आती हैं, तो केवल उन्हीं सत्ता पक्ष वाले संगठनों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, जो उनके सत्ता पक्ष में होते हैं, उनका झंडा लेकर के उनके पीछे दौड़ते हैं। यहाँ तो तक कि कहीं ऐसा नहीं कि जब आपके जब इतने संगठन बने हुए हैं, तो उसमें कोई संगठन पक्ष में है, कहीं विपक्ष में, तो ये बट जाती हैं समस्याएं, आपको नहीं लगता है कि ये मांग आपकी कहीं हल्की हो जाती है वर्गों में बटने के कारण? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि जो सत्ता होती है, जो सरकारें होती हैं, सरकार किसी की भी हो जी, चाहे मौजूदा सरकार हो, चाहे पिछली सरकार जो रही वो हो, चाहे आने वाली कोई दूसरी सरकार हो, सरकार और सत्ता का मतलब होता है, राजा का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है, पक्ष कौन है, विपक्ष कौन है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है जी। भाई राजा तो राजा होता है ना, तो एक राजा की नज़र में उसके अंदर एक समानता तो होनी चाहिए, आनी चाहिए। जो सिस्टम है, जो संविधान है,
जो वर्ण हमारे यहाँ बटे हुए हैं उनको नहीं रोका जा सकता है। एक सवाल यहाँ पर यह है कि अभी हाल ही में एक घटना घटी कि एक ज्वेलर्स की दुकान में जाकर के बदमाशों ने फायरिंग की, तो वर्तमान में जो व्यापारियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था है सरकार की ओर से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो आलमबाग में गुप्ता ज्वेलरी पे कांड हुआ है वो 9:30 पे कांड हुआ है, और 9:30 पे गोलीबारी होना, आप सब जानते हैं कि स्थिति ये होती है कि पूरी मार्केट भरी होती है, खचाखच भरी होती है। सरकार प्रशासन पुलिस डिपार्टमेंट हमारा ये अक्सर कहता है कि आप कैमरा लगवा लीजिए, आपके यहाँ की पोजीशन क्लियर होती रहेगी। तो मुझे लगता है कि उस समय सारी चीज़ें एक्टिव रही होंगी। हाँ, वहाँ से 9:30 पे सारी चीज़ें, पूरी मार्केट जागरूक होती है, और तब से अभी तक जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन्वॉल्व हुए, उन्होंने कुछ घोषणाएं किया, उस पीड़ित परिवार को 2-2 ठोर हत्याएं हुई हैं वहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया। जो वादा किया गया था कि बहुत जल्द गिरफ्तारी करके माल की बरामदगी कर दी जाएगी, तुरंत उनको सज़ा मिलेगी। मैं गया था, अभी आज है 7 तारीख, मैं 5 तारीख को गया था, पीड़ित परिवार से मिला, हॉस्पिटल गया, मार्केट में जहाँ पे चूँकि मौके की वारदात हुई थी वहाँ पे भी मैं गया, तो वहाँ तीसरा आदमी जो गोली लगी हुई है जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और प्रशासन के आला अधिकारियों से जब बात होती है तो हर अधिकारी का स्टेटमेंट अलग थलग आ रहा है, तो इसमें क्या विश्वास माना जाए कि सरकार पॉजिटिव कर रही है? तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो एक कहीं ना कहीं एक सुरक्षा व्यवस्था भी ज़रूरी है व्यापारी वर्ग के लिए, चूँकि एक बड़ा इनका कारोबार होता है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक है या जो इस तरीके की स्थिति होती है, आए दिन कोई ना कोई व्यापारी ऊपर हमला होता है या इस प्रकार की घटनाएं होती हैं? ये हमारे गवर्नमेंट की ही चूक कही जाएगी, जो आज की हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है। कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट सचेत रहे तो आप एक चीज़ मानते नहीं मानते, हमारे अभी वीर अभिनंदन दुश्मनों को रपटाते रपटाते पाकिस्तान पहुँच गए थे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ। वीर अभिनंदन, चूँकि उनको मैंने अर्जुन की उपाधि दिया है, मैं अपने हर भाषा में वीर अभिनंदन को अर्जुन की ही नज़र से देखता हूँ, कहता हूँ, पूरा देश भी कह रहा है। लेकिन सरकार ने चाहा तो पाकिस्तान को हार माननी पड़ी, वीर अभिनंदन हमारे वापस आए। तो कानून व्यवस्था अगर सरकार टाइट रखना चाहती है तो कहीं भी चोरी बदमाशी नहीं हो सकती है। जो भी है अव्यवस्थाएँ हैं वो लापरवाही के कारण है। कि आप किस तरीके की मांग करते हैं कि सरकार किस प्रकार की व्यवस्था करे? भाई, सरकार को जहाँ पे बजा रहे हैं इस टाइप की जगहें हैं वहाँ पे पुलिस गश्त को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। जो बड़े व्यापारी हैं, उस लेवल के व्यापारी हैं, उनको उन असलहों की व्यवस्था करानी चाहिए, वो स्वयं भी अपनी रक्षा कर सकें। अभी एक व्यापारी लाइसेंस के लिए दौड़ता है, वो 1.5 महीने 2 महीने 4 महीने दौड़ता है, उसके बाद में पता लगता है कि डीएम साहब के यहाँ पे जाकर के कागज टिक गया, उसके बाद आगे बढ़ा नहीं। तो स्वयं की व्यवस्था के लिए इनको मजबूत करना चाहिए व्यापारियों को। तो वर्तमान में अगर चूँकि आपने सरकार की बात कही, तो सरकार के लिहाज से अगर आप मतलब आपसे ये पूछा जाए कि आम जनता और व्यापारी क्या सुरक्षित हैं? नहीं, स्थिति को देखते हुए तो सुरक्षित नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस समय सरकार अपने आप अपनी पीठ थपथपा ले रही है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ, सरकार का पक्षपाती था, हूँ, रहूँगा, लेकिन जो कार्य प्रणाली है इनकी वो ठीक नहीं लग रही है। एक और बात अभी कुछ समय पहले ये थी कि जब GST लागू हुआ उसके पहले जो कर विभिन्न भागों में डिवाइड थे, अलग अलग कर, तो उनको एक कर किया गया, तो ये जो GST उसके बाद व्यापारियों में एक आक्रोश भी कुछ व्यापारियों में देखने को मिला, तो ये उस दौर के बारे में क्या आपका कहना है? देखिए, GST और नोटबंदी दो मुद्दे कैसे हैं कि जो मुझे लगता है कि पूरे 4 साल में अभी तक व्यापारी अपने आप को संभाल नहीं पाया है। क्यों नहीं संभाल पाया वो भी मैं आपको बता दूँ, चूँकि जो हमारा मीडियम क्लास का व्यापारी है जी, जो कमज़ोर और कमज़ोर व्यापारी है जी, वो इसका रीजन ही नहीं समझ पाया अभी तक कि GST का मतलब क्या है जी, GST का रीजन क्या है जी, GST होती क्या चीज़ है।
उसके लिए जैसे एक गांव में आपने कभी आपने सुना होगा कि शेर आया, तो उस शेर की तरह से एक हवा जीएसटी बन गई, जो व्यापारी अनभिज्ञ था वो कहीं कहीं सशंकित हो गया और पूरे 4 साल से सशंकित है। नोटबंदी का माहौल आया, नोटबंदी में लोगों का बैलेंस बिगड़ गया, उससे भी बैलेंस अभी बिगड़ा चल रहा है। तो ये व्यवस्था बहुत पॉजिटिव नहीं कही जाएगी। फिलहाल सरकारें कह रही हैं, तमाम संगठनों के लीडर्स भी है इस तरह के बोल रहे हैं, जैसे व्यापारी संगठन और भी हैं, कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे हाँ, ये सरकार ने कहा वन नेशन वन टैक्स की बात कही और ये कहा कि इससे जो भ्रष्टाचार है, धांधली है, ये रुकेंगी, तो आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ा है वो, अगर भ्रष्टाचार क्या रुका है या इससे छोटे व्यापारी पर? भाई भ्रष्टाचार तक ही सीमित बात नहीं हो जाती है, आपने उस लेवल के व्यापारियों को कोऑपरेट क्या किया ये भी तो बताती है। जीएसटी के लिहाज से भ्रष्टाचार, चूंकि जो एक सरकार की जो ये सोच थी उस पर चूंकि अपना टाइम हो गया है, तो आपका चूंकि आप एक व्यापारी हैं तो आप क्या समझते हैं कितना फर्क पड़ा है, कुछ इसका लाभ हुआ है? सरकार ने व्यापारियों कोऑपरेट किसी के भी किया है भाई, अन्य वर्गों का कर्ज माफ हुआ, व्यापारी कर्ज में डूबा है। नहीं, जीएसटी के अगर लिहाज से हम बात करें तो जीएसटी पर? जी जी जी, नहीं जीएसटी के लिहाज से भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जीएसटी से कुछ परसेंट निकाल दीजिए, 25-30% निकाल दीजिए, बाकी ये मान लीजिए कि 70% व्यापारी अभी भी भ्रमित है। एक बात और भी आई थी कि उसमें बात हुआ कि मझोले और छोटे व्यापारी कहीं ना कहीं बहुत उनको नुकसान हुआ इस कारण, तो इस बारे में आपका क्या मानना है? या वो दौर जब आपने देखा होगा जीएसटी लगा होगा तो आपने देखा होगा कितने लोग व्यापारियों पर इसका प्रभाव पड़ा कि वो उनका व्यवसाय पर फर्क पड़ा होगा? भाई इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि उस समय चूँकि लोगों के नॉलेज में नहीं था, उनके नॉलेज में बात नहीं थी, लोगों ने माल का आदान प्रदान, माल सेलिंग में रुकावट किया, उन्होंने माल मंगवाना बंद कर दिया, माल बेचना बंद कर दिया, दोनों स्थिति ये बनी जी। ये छोटे व्यापारी से लेकर के बड़े व्यापारियों में स्थिति है ये, तो ये दोनों वर्ग चाहे बड़ा व्यापारी हो या छोटा व्यापारी। छोटा व्यापारी, लेकिन सुनने में ये बात आई थी कि छोटा व्यापारी ज़्यादा प्रभावित रहा, ये हाँ, आपने देखा होगा। तो छोटा व्यापारी उस दौर का कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या स्थिति हुई, कोई एक ऐसा प्रसंग हुआ आपको ध्यान? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े व्यापारियों के पास समस्त तरह की व्यवस्थाएँ होती हैं, वो व्यवस्थित होते हैं जी, उन सिस्टमों को उनके पास एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं जी जी, उनको आसानी से वो पा लेते हैं जी। लेकिन छोटे व्यापारियों के पास उतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि उन चीज़ों को तत्काल पोजीशन में वो कर पाए जी जी, इसलिए उनकी परेशानियां ज़्यादा होती हैं। चूँकि सरकार ने भी कहा था कि भी चूँकि शुरुआत है तो परेशानी आएगी, लेकिन बाद में सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, तो एक दो साल होने को है इस प्रक्रिया को, तो आप क्या समझते हैं कि लाभदायक है कि हानिकारक है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं, जो स्थिति वर्तमान स्थिति आपने कहा उसका जवाब मैंने दिया, आने वाले कल में क्या लाभ पहुंचा पाएंगे या स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसके लिए तो आगे भविष्य बताएगा। लेकिन इस दरमियान जब से लगा है तब से लेकर के अभी तक इसका कुछ प्रभाव जो आपने देखा हो उसके आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ लाभ हुआ है या हानि हुई? देखिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस सरकार का तो फायदा हुआ है, लेकिन आम व्यापारी का, आम जनता का कोई फायदा नहीं हुआ है इसमें। व्यापारी का भी फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ है, जनता का, सरकार का फायदा हुआ है, जनता का भी फायदा नहीं, जनता का फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि सरकार ने समय समय पर थोड़ा सा परिवर्तन भी किया, कुछ जो स्लैब थे किसी को 12% कहीं था तो उसको 18 किया, 18 वाले को 12 किया, ऐसा सरकार ने व्यापारियों या जनता की मांग पर या व्यापारी की मांग पर इस प्रकार के फैसले लिए, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रोज़ एक व्यवस्था नहीं डाल दीजिए जिसमें आदमी उसी को संभालने के चक्कर में परेशान रहे, तो बिजनेस और व्यापार की बातें कब सोचेगा? तो रोज़ कानून नहीं बदलने चाहिए, रोज़ नियम नहीं बदलने चाहिए, रोज़ सिस्टम अगर बदलेंगे तो उससे आम आदमी परेशान होता है, व्यापारी परेशान होता है। तो अगर ये जैसे जीएसटी है उसे लागू होने से पहले भी जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति अभी भी है, उससे ज़्यादा खराब स्थिति हो गई? खराब, जीएसटी लागू होने से पहले स्थिति मार्केटों की, व्यापारियों की बहुत अच्छी थी, जीएसटी के बाद में, नोटबंदी के बाद में स्थिति की लोगों की खराब हुई है। इसमें क्या आप समझते हैं कि सरकार की कार्य योजना कहाँ थोड़ा सा क्या ज़रूरत होनी चाहिए थी, क्या सरकार अपनाती जिसके कारण जीएसटी का प्रभाव जैसा चाहती थी वैसा होता? भाई दो चीज़ें जो बिल्कुल एकाएक डिसाइड हुई हैं, नोटबंदी और जीएसटी। मैं नोटबंदी इसलिए साथ में लेना चाहता हूँ कि उसके असर से व्यापारी मुक्ति नहीं पाने पाया है,
जीएसटी में के लपेट में आ गया है। और जीएसटी शब्द का जो लैंग्वेज आया वो व्यापारियों के नॉलेज में नहीं था कि जीएसटी है क्या चीज़। तो जो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक व्यापारी भ्रमित रहा, ये पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव नहीं, मैं निगेटिव नहीं कह रहा हूँ कि जीएसटी खराब चीज़ है। मैं वो उतनी टाइम के लिए जो व्यापारी भ्रमित रहा या आज की डेट में व्यापारी भ्रमित है, मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर मार्केटों पे, व्यापारियों पे रहा है। तो जैसा कि आपने कहा कि शहर अगर विकास करता है, मतलब इसमें कहें शहरीकरण होता है जी जी, तो और गांव भी विकास करता है जी, तो इसमें अगर व्यापार की अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं एक जो एक छोटा व्यापारी गांव से शुरू करता है एक बिजनेस को, फिर वो बड़े व्यापारी तक आता है, तो ये कहीं एक छोटे व्यापारी और एक बड़े व्यापारी, गांव के व्यापारी और शहर के व्यापारी के बीच जो कम्युनिकेशन, आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से? आपने गाँव की चर्चा किया तो मैं आपको लखनऊ से जुड़ी मार्केटिंग का है बक्सी तालाब बीकेटी जी। बीकेटी में मैं आपको बताऊं 19 जनवरी की घटना है, 19 को वसूली स्टार्ट हुई है जी। हाट बाज़ार लगती है जी जी। चूँकि हाट बाज़ार की चर्चा इसलिए मैंने आपसे कर दिया कि वहाँ पे मार्केट का और गांव का किसान दोनों व्यापारी मिलकर के मार्केट में बिजनेस करता है जी। वहाँ पे अवैध वसूली होती थी जी। 25 तारीख को फिर ये लोग इनके अवैध वसूली के लिए लाठी डंडा लेकर के नगर पंचायत वाले घुस गए। व्यापारियों ने वहाँ 4 से 5 घंटे का हाईवे NH पे धरना दिया। सबसे बात करने के बाद में किसी ने व्यापारियों की जब नहीं सुनी तो जाकर के हाईवे पे धरना दे दिया। हाईवे पे धरना देने के बावजूद भी अभी सरकार की आंखें नहीं खुली, वहाँ किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। तो इसका मतलब ये है कि जिसमें वहाँ की SDM, तहसीलदार, CO, सांसद, विधायक, वहाँ का चेयरमैन, सब इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके की अगर अवैध वसूली वाली घटनाएं जो होती हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं। जो आपने चूंकि ये मैंने कहा ग्रामीण इलाके की बात कही है, तो ये छोटे व्यापारी की बात हुई है, तो छोटे व्यापारी कहीं शोषण नहीं हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि ये इस तरीके की? भाई लाजमी सी चीज़ है, जब ये अपना विधायक और सांसद मंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं, आपस में मार कर रहे हैं। अभी आप टंडन जी गए हुए थे बस्ती, कहाँ की घटना? सिद्धार्थनगर की घटना है, जहाँ पे आज देखा जा रहा है कि इनका मंत्री, इनका सांसद, इनका विधायक इनके कब्जे में नहीं, वो जूते से मारपीट कर रहे हैं। तो इसका मैसेज समाज को अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये जो इस तरीके की अवैध वसूली आ रही है, व्यवस्थाएं हैं, तो ये रुकी नहीं है, अभी चली रही हैं। और बिल्कुल वो कहीं कहीं क्राइम जो है प्रॉपर अपनी जगह बनाए हुआ है। अब स्थिति जो है वो मुझे तो जो महसूस होता है, लगता है कि अपनी पीठ खुद ही थपथपाने वाली बात है। तो ये कहीं जैसा कि आपने छोटे व्यापारी जब के साथ इस तरह होता है तो कहीं उसका ग्रोथ ही रुकता है। इसका ये हम अगर बात करें कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो एक छोटा व्यापारी और मंझोला व्यापारी जो अपने उस ग्रामीण इलाके के लिए करना चाहता है और संपर्क के लिए, जब उसके साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है जो उपभोक्ता है उनके ऊपर? मैं एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं कि चूंकि वो लाइन टूट गई थी, हमारे क्षेत्रीय स्तर के तमाम विधायक, मंत्री जो होते हैं, चेयरमैन्स होते हैं, पार्षद होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं जी, इनके उस पद और स्थान पर आने के बाद में तमाम इनके आसपास चार्ट क्वार टाइप के व्यक्ति आ जाते हैं, जो वास्तविक पीड़ा को का मैसेज उनके पास होना चाहिए। वो चार्ट क्वार व्यक्ति उन विधायकों से, उन मंत्रियों से झुठला करके कहते हैं कि तू फर्जी बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है जी। जो पारदर्शिता होनी चाहिए उस पारदर्शिता को लोग, मतलब जो सच्चाई बोलता है, सच्चाई वाले को कह दिया जाता है कि आप गलत बोल रहे हैं, और गलत आदमी को कह दिया जाता है कि सही है। ये मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात आपको बता रहा हूँ। जबकि जो भी उस पोजीशन पे है, उस कुर्सी पे है, चाहे हमारे क्षेत्र का विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसकी तफ्तीश और जांच जरूर करवानी चाहिए अलग से कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। एक और अभी जो पुलवामा वाली घटना हुई, उसके बाद भारत ने एक्शन लेते हुए व्यापार का जो समझौता था पूरा ख़त्म कर दिया और किसी प्रकार के व्यापारिक संबंध रखने से भी पूरी तरीके से उस पर पाबंदी लगा दी। तो आपको, आपका क्या कहना है कि सरकार ने जो फैसला किया था पुलवामा की घटना के बाद, इसके बारे में?
देखिए, जहाँ पे पुलवामा की बात आती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्थिति कोई हो, बात कोई हो, वो किसी प्रकार की कोई बात हो, लेकिन इसी के साथ क्वेश्चन भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी क्वेश्चन है जी, कि सुनने वाले जरा ये हल करो, सुनने वाले वाले जरा ये हल करो कि पुलवामा के सैनिक ठगे क्यों गए। जी, सुनने वालों जरा ये हल करो कि पुलवामा के सैनिक ठगे क्यों गए। कैसे पता चला हमारे देश की गाड़ियां, हमारे देश के सैनिक, हमारे देश की व्यवस्थाएं कि यही एक गाड़ी नॉन बुलेट प्रूफ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को मैं धन्यवाद देने के साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि इस पे भी इनको काम करना चाहिए, इस पे भी इनको विचार करना चाहिए कि ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं भाई, ये शोभा नहीं देता कि हमारे केंद्र स्तर का कोई मंत्री, कोई सांसद या माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये कहें कि घुसपैठी हमारे घर में बैठे हैं। अरे भाई, बैठे हैं तो सारी व्यवस्थाएं आपके पास में है, सत्ता आपके पास में, उनकी खोज करो ना जी। उनको ढूंढ के निकालो ना। अगर कोई गलत आदमी बैठा हुआ है हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, तो उनकी खोज होना चाहिए। अब तो पूर्ण रूप से आप सत्ता में हैं, प्रदेश भी आपका, केंद्र भी आपका, सारी व्यवस्थाएं आपकी, फिर आप आम जनता को गुमराह क्यों करते हैं, व्यापारियों को क्यों गुमराह करते हैं भाई। और यहीं पे बात आती है हमारे देश के वीर अभिनंदन की, तो मैं अभिनंदन के लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूँगा आपसे जी, कि मैं एक महाभारत की घटना से मैं इसको जोड़ करके आपसे बताना चाहता हूँ जी, संक्षेप में थोड़ा जी जी, कि 16 वर्षीय बालक मनु रहा, 16 वर्षीय बालक मनु मतलब है कि जो 44 सैनिक आपके मारे गए थे, 16 वर्षीय बालक मनु रहा तड़प करके दादा से यूं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी से कह रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह रहा है, वो सैनिक कह रहे हैं जो 44 मारे गए हैं, कि 16 वर्षीय बालक मनु रहा तड़प करके दादा से यूं कहा, आज पांडवों की इज्जत बचाऊंगा मैं, दुश्मनों को मजा खूब चखाऊंगा मैं। दादा मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी, जी जी प्रधानमंत्री जी, जी दादा जरा दिल से निकालो मंदगी, कायर बन करके जीना नहीं जिंदगी, कायर बन करके जीना नहीं जिंदगी। तो जो हमारे सैनिकों ने, हमारे वीरों ने जाकर के 350 आतंकवादियों को मारा है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः कोट-कोट धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने देश के वीर सैनिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शेर जैसे सीना लेकर के दहाड़ मारते हुए वीर अभिनंदन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे सपूत, ऐसे देश के वीर हमारे देश में हैं। आखिर में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी बहुत सी घटनाएँ सुनने को मिलती हैं कि कर्ज के कारण व्यापारी वर्ग आत्महत्या कर रहा है, कई घटनाएं होती हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि इस पे तो केंद्र सरकार ने जास्ती किया है, जो मौजूदा सरकार है, मैं सीधा इसको दोषी यही कहना चाहूँगा कि सभी वर्गों के लिए इन्होंने व्यवस्था किया है, और व्यापारी वर्ग के लिए, व्यापारी कर्ज में डूबा हुआ है, उसके कर्ज माफ़ी का इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ है, व्यापारियों के साथ अत्याचार किया है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो अगर कुछ योजनाएँ अगर बनी हैं तो, या और किस तरीके की सरकार, आप क्या आप कहना चाहेंगे किस तरीके का? भाई अभी तमाम तरह की कर्ज माफ़ी आई है, जो इनका बजट पेश हुआ था, मैं किसी भी वर्ग का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तमाम वर्गों को उनकी कर्ज माफ़ी का इन्होंने मुद्दा दिया, जबकि बीजेपी सरकार व्यापारियों की सरकार कही जाती है, तो व्यापारियों का समर्थक कहा जाता है, तो इसको अपने व्यापारियों के लिए, सभी तरह के व्यापारियों के लिए सोचना चाहिए, कुछ गिने चुने व्यापारियों के लिए सोच करके बंद नहीं हो जाना चाहिए। किस तरीके की मांग रखते हैं सरकार से आप? देखिए, जो उस लेवल के व्यापारी हैं मेरे, जो कमज़ोर किस्म के हैं, मझले किस्म के हैं, जो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, उसको वो लोन ले लिए, 4 लाख रुपया लोन ले लिए, अब उन्होंने 2 लाख रुपया उनका रह गया, वो अपने गरीबी के कारण उस लोन को नहीं भर पा रहे हैं, तो उनको आत्महत्या तक नहीं जाने देना चाहिए। जैसे इन्होंने राशन कार्ड में कई वर्ग का राशन कार्ड बनाया है, उसी तरह से गरीब व्यापारियों के लिए भी बनाना चाहिए, उस लेवल का व्यापारी है उसका कर्ज माफ होना चाहिए जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने बहुमूल्य समय से समय निकाल करके हमारे साथ वार्ता की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ अंजलि पांडे जी थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार व्यापारी वर्ग संघर्ष कर रहा है अपने अस्तित्व को लेकर के एवं अपनी सुरक्षा को लेकर के, सरकार उस वर्ग के लिए किस तरीके की योजनाएँ शुरू करे जिसके कारण उसको लाभ प्राप्त हो। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया। नमस्कार।